अपनी बुद्धि यदि हम प्रभु में लगाना चाहते हैं तो हमें संग सुधारना होगा भोजन सुधारना होगा और हर समय नाम जपने का अभ्यास करना होगा जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा जो चाहोगे और नाम जो चाहोगे प्राप्त कराने में समर्थ रही पर नाम का कार्य चाह कोई मिटा देना जब नाम सही ढंग से जपने लोगे तो कोई चाह ही नहीं रह जाएगी जब तक नाम जप नहीं होता तभी तक ये चाह रहती है विषयों की लोकलोकांतर के भोगों की और जब नाम चलता है तो फिर ब्रह्मादिक के भोग नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है अब भगवदानंद की लगन लग गई तो विषयानंद बमन के समान हो जाता है रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन्म उल्टी की तरह जैसे बमन होता ऐसे उसे ब्रह्मादिक के भोगों के लिए भी आकर्षण नहीं रह जाता पर ये खूब अच्छे से भजन करें तो जितना हम भजन कर रहे हैं भले वो क्रिया ही हो रही है पर वो सत्य है ना इसलिए हमारी विजय होगी भजन क्रिया कोई असत थोड़ी होती देखो हमें विश्वास करना चाहिए कि आग में दाहिका शक्ति है तो कोई प्यार से छुआ दे तो जल जाएंगे जबरदस्ती छुआ दे तो जल जाएंगे या हम सम्मान से छुए तो जल जाएंगे उसका काम है दाहिका शक्ति ऐसे ही नाम में तारण शक्ति विराजमान है तो हम भाव से जपे तो तर जाएंगे कुभाव से जपे तो तर जाएंगे जबरदस्ती कोई जप तो तर जाएंगे उसका तारण स्वभाव है नाम का कार्य है संसार से तार देना उसमें सामर्थ्य विराजमान है तो इसलिए गोस्वामी जी कहते भाव कुभाव अनख आल नाम जपत मंगल दिस दसो। वो कोई ऐसी क्रिया नहीं कि हमने राधा राधा बोला कोई लाभ तो मिला नहीं तो व्यर्थ चला गया नहीं नहीं आपके यंत्र भी बहुत मल से ढके हुए हैं तो उनको अनुभव में नहीं आ रहा आप बार बार जपते रहिए जहां निर्मल हुए तो राधा कहते रोमांच हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि राधा नाम के साथ रूप प्रकाशित हो जाएगा फिर हो गया सब काम फिर तो रूप छके घूमत रहे को तनिक नभान नारायण दृगजल्व है यह अपने प्रीतम के याद में उनकी स्मृति में उनके रूप में टू वही महापुरुष हो जाता है वही जगत को तारने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है अपने तारने के बम भक्ति युक्त हो भुवनम मेरा भक्त सारे भुवनों को पावन कर देता है तो नाम जब करें उसे सस्ते में न लें